दीवान शुगर की मशीन में फंसे कर्मचारी की मौत से हड़कंप। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित दीवान शुगर मिल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कर्मचारी की फैक्ट्री की मशीनों पर लगी चेन में फंसने से मौत की खबर फैली। घटना देर रात की बताई जा रही है। मौत की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की तैयारी में है। मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे पर स्थित दीवान शुगर मिल पिछले 10 दिनों से कर्मचारियों की मौत का सबब बना हुआ है। पिछले सप्ताह ही एक कर्मचारी का शव मिला परिसर में बनी शीरे की टैंक में पड़ा पाया गया था, जिसकी मौत की सूचना पर परिजनों ने शुगर मिल प्रबंधक के खिलाफ खासा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा परिजनों से बातचीत करते हुए मामले को सुलझाया गया था। उसमें भी मिल प्रबंधक की घोर लापरवाही उजागर हो चुकी है और अब इस दूसरी घटना ने दीवान शुगर मिल प्रबंधन पर प्रश्न चिन्ह लगाया दिया है। दरअसल घटना देर रात की बताई जा रही है। सराय खजूर निवासी दीशान की मौत उस चेन में फंसने से हो गई जिस पर चीनी की भरी बोरियां सप्लाई की जाती हैं। दीशान की बॉडी काफी देर तक चेन में ही फंसी रही। 10 दिन में 2 मौतों से मिल प्रबंधक में हड़कंप मच गया। पहले तो इस दुर्घटना को काफी देर तक छुपाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर पूरा मामला उजागर हो गया और मृतक कर्मचारी के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। दीशान की बॉडी को देखकर परिजनों ने मिल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है। अगर परिजन चाहेंगे तो मिल प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या बिलायत सर कहाँ के रहने वाले हैं? सराय। ये जो लड़के के यहाँ घटना हुई, क्या लगता था, क्या नाम था इसका? ये भतीजा था मेरा, दीशान नाम था। रात ड्यूटी करने आया था, 8 बजे तक, 8 बजे तक की ड्यूटी थी इसकी। यहाँ पर किस चीज़ पे काम करता था? जी ये कट्टा सीधा करने का था ऊपर इस पर कन्वेयर पर। तो क्या घटना हुई इनके साथ? जी ये इसमें मिल गया लड़का, इसका ये जो कन्वेयर लगा हुई है, इस साल में लगी है, ये इसमें पिला है ये लड़का। कितनी उम्र थी इनकी? 20 साल। अनमेरिड है जी। क्या चाहते हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आज़ाद। डॉक्टर आज़ाद जी, कि आप सराय खजूर के प्रधान पति हैं? जी जी जी। ये जो मिल में एक हादसा हुआ, क्या मामला है? ये मिल की लापरवाही का, और जो है ये नहीं देखते कि वहाँ जो है इनका सिस्टम खराब है, क्या है, आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। क्या आए दिन का मतलब? इससे पहले भी कोई घटना हुई है? पहले 8-10 दिन पहले वो वहाँ जो है एक लड़का हमारे गांव का ही मारा गया। नहीं, उसके बारे में सुनने में आया है कि उसको कोई मुआवजा दे दिया गया था। हाँ, वो वार्ता तो हो गई थी मिल से, अभी जो है डिसाइड 15 दिन के बाद चलेगा पता। अच्छा, आज जो घटना हुई है, इसको क्या आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं मानता हूँ कि ये मिल की कमी है, कि ये जो है अपने कर्मचारी को या किसी चीज़ को जो है ये सही तरीके से सुरक्षित नहीं रख पा रहे। अच्छा, तो आप इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इसका सुधार होना चाहिए और जो है ये ऐसी घटनाओं से जो है निजात मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो मिल की शिफ्टिंग है, जो लेबर काम करती है, वो 12 घंटे काम करती है। हाँ, 12 घंटे करती है भाई, 12 घंटे, जबकि 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए लेबर की। हर जगह जो है पूरे भारत के अंदर 8 घंटे ड्यूटी है, यहाँ 12 घंटे का क्या मतलब है? ये हो सकता है कि ये ठेकेदार धानबाजी करते हो। अच्छा, ये जो लड़का काम करता है, किसी ठेकेदार के अंडर में काम करता होगा ना? हाँ, ठेकेदार के अंडर में ही काम करता था। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, गरीब परिवार है, इसे जो है एक नौकरी और वो जो है इसे मुआवजा मिल जाना चाहिए। अच्छा, मुआवजा कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते आप लोग? नहीं, कानूनी कार्रवाई जो है उचित तरीके से, हम जो भी कानून कार्रवाई होगी वो देखेंगे अभी बाद में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपको जो अभी जानकारी मिली है कि लड़का नाबालिग था, क्या कहना चाहिए? क्या नाबालिग के बच्चे काम करते हैं यहाँ पर? उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2005 के आसपास है उसके आधार कार्ड में, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ नाबालिग बच्चे काम करते हैं? नहीं, ये तो अच्छा, ये तो मुझे पूरा मालूम नहीं, मगर इसे मिल को जो है देखना चाहिए कि नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर जैसे नाबालिग लड़के, तो फिर आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? ये करना चाहेंगे कि ये जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।